जन्मभूमि टाइम्स से मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बालाघाट जिला पंचायत क्रमांक 14 से भावी प्रत्याशी अलका मुलकराज आनंद, जिनका चुनाव चिन्ह तीर कमान छाप, मुलकराज जी ने बताया है कि मेरा जीवन मेरे क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों की सेवा के लिए सदा तत्पर रहा है। मैं अपनी सेवाएं समाज के हर वर्ग हर जाति को प्रदान कर रहा हूँ। अलका मुलकराज आनंद ने कहा कि मैं ग्राम के विकासशील बनाऊंगा और सरकार की सभी नीतियों एवं योजनाओं का हर ग्रामीण वासियों तक पहुंचाऊंगी। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आएगा, मैं वह सभी क्षेत्र में एक ईमानदार सेवक बनकर अपनी सेवा करूंगी। गांव की सड़कें, नालियां, तालाब आने का प्रारंभ करूंगी। जो टूट फूट सड़कें हैं उन्हें नवीनीकरण किया जाएगा। अलका जी ने क्षेत्रवासियों से 1 तारीख को अधिक से अधिक मतदान केंद्र में जाकर अपने मत का उपयोग करने का संदेश दिया। क्रमांक 14 से उम्मीदवार अलका जी से बात करते हैं। नाम पूछो, शिवजी नाम। आपका नाम? मैं अलका मुलकराज आनंद क्षेत्र क्रमांक 14 से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है तीर कमान। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जो जिले के काम हैं वो ग्राम तक लाऊंगी और आपसे वादा करती हूँ समय समय पर आपका साथ देंगे हम और तीर कमान को जिताएंगे। धन्यवाद। आइए आज हम अलका जी के पतिदेव जो उनके साथी है उनसे बात करते हैं। मेरा नाम मुलकराज आनंद है। मेरी पत्नी जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 14 से उम्मीदवार की है, जिसका चुनाव चिन्ह तिरकमान है। मैं लगातार जनता के बीच में डोर टू डोर रहा है। 35 साल से जनता देख रही है और उसका परिणाम जो मैंने जनता के बीच सेवा किया है वो आज सामने मेरी पत्नी को भरपूर मतदान जनता दे रही है। हर गांव के मतदाता मेरी पत्नी अलका मुलकराज के तिरकमान को मतदान करने की इच्छा बना रही है। वो इनकी इच्छा है कि मुलकराज आनंद आए और हमारी सेवा करें, क्योंकि ये लगातार देखते आ रहे हैं। कई आंदोलन किया और आंदोलन करके मैं जनता को न्याय दिलाने का काम किया हूँ और उसका लाभ पूरा पूरा जनता मेरी पत्नी अलका मुलकराज को चुनाव जिताने के लिए तत्पर है, इंतजार कर रही है, बुला रही है कि मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ कि मेरी पत्नी एक गाड़ी में है और मेरी पत्नी और मैं प्रचार कर रहा हूँ, जिसमें प्रयास कर रहा हूँ कि हर गांव में पहुँच सकूँ और जनता को बता सकूँ कि मैं मुलकराज आनंद, मेरी पत्नी भी तिरकमान सिंबल है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं भी खड़ा हूँ। मेरे क्षेत्र क्रमांक 14 में 6 उम्मीदवार है, वो सब 6 उम्मीदवार अपने अपनी बात कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं की तरह अपने अपनी बात कर रहा हूँ। अब फैसला जनता के हाथ में, जनता किसको निर्णयेगी, ये पार्टी का चुनाव नहीं है, ये गांव का चुनाव है, घर का चुनाव है, इसमें जनता को मतदान करना है। हमें घुमाने फिराने की जरूरत नहीं। सब आजकल हमारे कटनी क्षेत्र का मतदाता बहुत जागरूक है। आजकल पढ़ा लिखा लड़का है, माता है, बहने सब जागती है किसको अपना कीमती वोट देना है और किसको नहीं देना है, उनको परिचित है, सब जानते हैं। जितने उम्मीदवार खड़े सब अपने अपनी बात कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी उसी कड़ी में अपनी बात कह रहा हूँ। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। आप लोगों ने जो आज आप इंटरव्यू दिए, आप लोगों का धन्यवाद। मैं जितने बालाघाट जिले के समाप्त पत्रकार बंधु उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के लिए मैं नया नहीं हूँ। आपने हर 15 दिन 4 दिन में लगातार मेरे आपके संपर्क में रहा है, जहाँ जहाँ भी आंदोलन किया है उन्हें आपने छापा है। इस बार भी आपसे अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7575601 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।